ईवीएम पर सवालों उभा थई रहा छे ने वधु एक सवाल। नमस्कार, हूँ जनक, आप जो रहा छो ईटीवी समाचार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चूंटणी बाद सतत ईवीएम पर सवाल उठी रहा छे। विपक्षो ईवीएम मुद्दे भाजपने घेरी रहा छे, जेमा आप सौथी आगळ छे। दिल्ली विधानसभाना विशेष सत्रमां पण ईवीएममां घोटाळानो मुद्दो छवायेलो रह्यो छे। आपना धारासभ्य सौरभ भारद्वाज एक ईवीएम जेवुं ज डमी मशीन लाव्या अने ईवीएममां टेम्परिंगनो लाइव डेमो करी बताव्यो हतो। आप नेता सौरभ भारद्वाजे कहूं कि मारा जो साधारण एंजीनियर पण मशीने टेम्पर करी शके छे। सौरभ भारद्वाजे आप बसपा भाजप सपा कांग्रेस ने एक एक वोट आप्या, आज रीते फरी तमाम पक्ष ने एक एक वोट आप्यो, परंतु परिणाम में भाजप ने सौथी वधी वोट मळ्या हता। धौलपुर के अंदर ऐसी 18 मशीनें पकड़ी गई जिसके अंदर आप कोई भी बटन दबाओ, किसी भी पार्टी का बटन दबाओ, वोट बीजेपी पे जा रहा है। और ये कह रहे हैं कि इस मशीन के अंदर टेम्परिंग नहीं हो सकती। असल में बात ये है, सच्चाई ये है कि उस मशीन के अंदर भी वो मशीनें जो थी वो पहले एक जगह से आई थी। जैसे वो जो भिंड वाली मशीन थी वो यूपी वाली मशीन थी, और यूपी के अंदर हमारा कोई भाई, हमारा कोई कार्यकर्ता वो कोट डाल के गया था। वो कोड तो डाल दिया, उसको हटाया नहीं, वो कोड उसमें डला रह गया और वो मशीन भिंड में पहुंच गई। अब भिंड में पहुंच गई तो ये कोई भी बटन दबाए उसके अंदर कमल का वोट आए और ये फंस गए, क्योंकि जो काम वोटिंग वाले दिन 10 बजे करना था वो पहले ही रखा था उस मशीन के अंदर कि देखो तुम्हारे कारण ही हम इंजीनियरिंग छोड़ के इसमें आए थे। और देखो मजे की बात यह, तुम्हारे कारण ही मैं दोबारा इंजीनियरिंग कर रहा हूं। अब गुजरात में अगले चुनाव है, जहां पे गुजरात की मशीनें रखी हैं, तुम वो जगह सिर्फ 3 घंटे के लिए हमें दे दो और सीट तो दूर की बात, एक बूथ पे नहीं जीतोगे, एक बूथ।